तो ये भौतिक इंद्र तृप्ति कैसा है? जैसा एक कुआं है, कुएं के नीचे उतरते हैं इंद्र तृप्ति के लिए। पर ये प्रॉब्लम क्या है कुएं का, ये कुएं का कुछ अंत नहीं है, बॉटम नहीं है। तो हम जितना भी गहरा जाते जाएंगे, एक न एक दिन तो हमको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जितना गहरा जाएंगे हमको समझ में आएगा नीचे कुछ नहीं है। तो ये भौतिक दुनिया में लोग बहुत उत्साह है किसके लिए, वो कुएं के अंदर जाने के लिए। और हम क्यों जाना चाहते हैं, हर कोई जा रहा है कुएं के अंदर, तो हमको भी लगता है कुछ तो होगा। और बहुत लोग गए अंदर वापस आए नहीं, तो हमको लगता है उन्होंने कुछ तो खजाना प्राप्त किया। तो हम लोग भी उतरते हैं बहुत उत्साह के साथ कुएं में, इंद्र तृप्ति के कुएं में। पर थोड़े समय बाद, जितने भी साल लगेगा, पर एक दिन हमको ये साक्षात्कार आएगा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो हम वापस उठ के आएंगे। कभी ना कभी तो हमको ज़िंदगी में माया से मुक्ति पाना है। माया हमको कभी छोड़ेगी नहीं, हमको छोड़ना पड़ेगा माया को। एक बार एक व्यक्ति था जो पेड़ को आलिंगन करके बोल रहा था, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। तो पेड़ ने उसको पकड़ा नहीं, वैसे माया को, माया ने हमको पकड़ के नहीं रखा है, हमने माया को पकड़ के रखा है। और एक न एक दिन तो हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो मन एक ऐसा चीज़ है जो हमको कभी भगवान की भक्ति करने का देगा ही नहीं। देखिए, हमारे मन में बहुत सारे इच्छाएं रहती है, हमको जो चाहिए वो मिल गया। सपोज़ मन में इच्छा है, जो हमको चाहिए वो मिल गया, भक्ति कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि मन उसे इतना आसक्त रहेगा भोग करने में, भक्ति करने को देगा नहीं मन। ठीक है, जो नहीं चाहिए वो मिला, जो हमको चाहिए वो मिला नहीं, तो हम भक्ति कर पाएंगे क्या? नहीं, उस समय भी मन नहीं मिला सोच सोच के भक्ति नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है, मन ऑटोमेटिकली अनुकूल होके हमको भक्ति करने को देगा, ये कभी संभव नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। इसलिए हमको भक्ति का मार्ग जितना हमको जल्दी समझ में आए उतना हमको शुरू करना चाहिए, और ये विश्वास होना चाहिए कि धीरे धीरे मन साथ में आएगा।